लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन पर बात की थी, इसी पर आज मज़ीद बात करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई भी लक्स, जैसे कि अगर हम एक स्प्रिंग की मिसाल ले लें, तो ये हमारा स्प्रिंग है जिसे हमने एक पॉइंट से अटैच कर दिया और दूसरे पॉइंट से इसके साथ कोई ना कोई मैस अटैच कर दिया। एक पॉइंट इसका एक किसी फिक्स पॉइंट से अटैच कर दिया और दूसरे पॉइंट को हमने किसी एम मैस से होने वाली बॉडी के साथ मुंसलिक कर दिया। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा ये जो एम मैस है, ये 5 kg का एक ब्लॉक है जिसे हम लोगों ने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया है। दूसरी बात हमने ये कही थी कि ऑसिलेशन मोशन के लिए ज़रूरी है कि उस बॉडी को उसकी पोजीशन से पुल किया जाए, यानी कि ये जो पॉइंट है इसे हम लोगों ने फिक्स पॉइंट के लिए, फिक्स पॉइंट है उसका मैस का, इस जगह पे वो फिक्स था इस पॉइंट पर, या फिर मेन पोजीशन कह लीजिए, इसे मेन कह लेते हैं, मेन पॉइंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मेन पॉइंट है, तो अब होता ये है कि अगर मैं इस पर कोई भी फोर्स एफ लगाकर, हमने जैसे कहा था कि हमें किसी ना किसी फोर्स से पुल करना होता है, अगर मैं कोई फोर्स एफ लगाऊं, तो होता ये है कि फोर्स एफ अप्लाई की जाती है, जब इस पर एफ फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये इस डायरेक्शन में जो है मूवमेंट शो करता है हमारा जो मैस है। तो जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये क्या करता है, ये इतना खींचता है, यानी कि इसमें स्ट्रेच पैदा होता है एम मैस रखने वाली बॉडी के अंदर। जब एफ फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये अपनी मेन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट शो किया है हमारे जो मैस है उसने, जो स्प्रिंग के साथ अटैच मैस है उसने, इस मेन पोजीशन से जो अपनी मेन पॉइंट है उधर से लेकर इधर तक एक्स डिस्प्लेसमेंट शो किया है। अब क्या होता है, हुक्स लॉ के मुताबिक जब भी किसी इलास्टिक बॉडी को किसी अप्लाइड फोर्स के साथ खींचा जाता है तो ड्यू टू इलास्टिसिटी वो बॉडी, जैसे ही आप ये फोर्स हटाओगे तो ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस जाने की कोशिश करती है। अगर हुक्स लॉ को हम मानते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे इस एम मैस रखने वाली बॉडी को वापस अपनी मेन पोजीशन पर आना चाहिए। तो होता ये है जी कि ये बॉडी वाकई ही अपनी मेन पोजीशन पर आती है, ये मेन पोजीशन पर वापस आ गई, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स जमा होती है जिसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उस रिस्टोरिंग फोर्स जिसे एफ रिस्टोरिंग कहते हैं, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो है पॉइंट, ये एम मैस रखने वाला जो है मैस जिसे हम स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, वो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ही अपनी मेन पोजीशन पर आता है। और जब मेन पोजीशन पर आता है तो ये यहाँ पर आकर स्टिल रुक नहीं जाता, बल्कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन शो करता है, ये इस सिम्ट में जो है डायरेक्शन शो करता है और स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। जब भी आपने अमूमन नोट किया होगा कि जब आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो वो चीज़ हमेशा बाद में अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाती है, जाकर कंप्रेस हो जाती है। अगर कभी आपने स्प्रिंग को खींचा हो कोई वेट बांध कर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप उसको जब खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद जो अपनी मेन पोजीशन पर आता है तो मेन पोजीशन से आगे जाकर स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, जिस तरह से इस पोजीशन में हुआ कि ये हमारा मेन पॉइंट था। तो अब होता ये कि स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो जाता है कि मैस यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि ये हमारी मेन पोजीशन थी। तो अब मेन पोजीशन से इतना यहाँ पर आने में इसने फिर एक्स डिस्प्लेसमेंट ही कवर किया, और अगर आपने ये अप्लाइड फोर्स का इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अगर इसको मैथमेटिकली मैं बताऊँ तो लेट्स हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो एक्स है वो जब हम यहाँ पर आए इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, कि दोनों टाइम हम कह रहे थे कि 2 meter है सपोज कर लेते हैं, और जो फोर्स हमने लगाई तकरीबन हमने 5 newton की फोर्स लगा ली, कुछ भी फोर्स कर लेते हैं। जिस तरह की अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊँ, जैसे कि ये एक इमेज है, इस इमेज में क्या होता है, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है किसी भी बॉब की अगर उसे स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाए, तो आप जब भी उसे स्ट्रेच करें या उसे स्ट्रेच करने के बाद छोड़ें तो उसमें इसी तरह के ना प्रोसीजर होते हैं कि वो कंप्रेस भी होता है और स्ट्रेच भी होता है। जैसे कि इस पोजीशन में हम लोगों ने ये कहा था कि पहले हमारी जो बॉडी है मैस है वो मेन पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही हमने एक फोर्स एफ अप्लाई की है तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जब भी कोई किसी भी इलास्टिक बॉडी के अंदर कोई भी अप्लाइड फोर्स हम लगाएं, तो ये लगने वाली अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जितना उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि हम मेन पोजीशन से जो है हमारी बॉडी यहाँ पर डिस्प्लेस किया ना, इतना डिस्प्लेस किया तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया या एक्सटेंशन होगी जितनी उसमें प्रोड्यूस हुई स्प्रिंग में।
तो ये जो एक्सटेंशन है ये हमारी लगने वाली फोर्स जिस फोर्स से हमने इसे इस डायरेक्शन में खींचा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हुक्स लॉ के मुताबिक। तो हुक्स लॉ की जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है कि इक्वल्स टू के टाइम एक्स, यानी कि के को हम लोग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन रिमाइंड कराने के लिए मैंने इसे दोबारा लिख दिया ताकि दोबारा पता चल जाए कि हुक्स लॉ क्यों हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हुक्स लॉ को यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस की गई कि क्योंकि जो हुक्स लॉ है वो सिर्फ स्प्रिंग के केस में ही नहीं बल्कि हर उस केस में आएगा जिस जो इलास्टिसिटी रखती है, ऐसी बॉडी जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाए उसके लिए हम लोग हुक्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। मुझे हुक्स लॉ यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करना बेहतर लगा क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैं एक मैथ के साथ अटैच करने के लिए, वो स्प्रिंग भी तो इलास्टिक बॉडी ही है ना, तो उसमें जो प्रोसीजर हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर हुक्स लॉ को अप्लाई किया। अब दूसरी फोर्स पे गौर किया जाए, वो फोर्स जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से ये जो है अपनी मेन पोजीशन से इसको थोड़ा सा इस तरह करना चाहिए था। अब इस मैथ पे गौर किया जाए तो जो इसमें जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वो भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट की है, यानी कि दोनों जाने जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर ही जा रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही ये बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन पर आई और बाद में कंप्रेस होगी। अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स को इस तरह से बताऊं कि जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी ने इसलिए प्रोड्यूस की क्योंकि हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज में कहा था कि बॉडी जो है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज़रूर फोर्स करे, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ही ये जो हमारा एम एस रखने वाला ब्लॉक था जिसे हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया वो अपनी मेन पोजीशन पर आया। क्योंकि हम जानते हैं इनर्शिया जो है किसी भी जिसम में कोई भी तब्दीली आए तो उसके खिलाफ मजामत करती है, यानी कि एक रेजिस्टिविटी फोर्स होती है जो अपने अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आने देती किसी भी बॉडी के अंदर। तो अब चूंकि हम लोगों ने फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को चेंज किया था तो ड्यू टू इनर्शिया जो है ये बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर आ गई और यहाँ पर आने के बाद रुकी नहीं है बल्कि इलास्टिसिटी की वजह से अपने अंदर मौजूद रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आगे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ मूव करती है और कंप्रेस करती है स्प्रिंग को। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसे मैं कह सकती हूँ ना कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये मैस और एक्सेलरेशन की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें अब फोर्स इसमें प्रोड्यूस हुई है वो ड्यू टू मैथ और एक्सेलरेशन की वजह से थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मैथ और ए के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ याद करें, अगर मैं इसे यहाँ पर लिखूँ न्यूटन थर्ड लॉ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ था और ये जो है ये हमारे पास हुक्स लॉ है, ये हमारे पास जो है ये हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग हुक्स लॉ के अब न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक से न्यूटन कहना चाहिए। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था कि एक्शन जो है एक्शन बराबर होता है रिएक्शन के लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखा जाए तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारा एक्शन थी और उसके नतीजे में जो रिएक्शन हुआ है वो तो रिस्टोरिंग फोर्स थी, यानी कि मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो बराबर है रिस्टोरिंग फोर्स के। देखा जाए तो ये वाकई में रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होते हैं, जितना एक्सटेंशन आप प्रोड्यूस करते हैं जिस तरह आप फोर्स को छोड़ते हैं तो उतनी ही फोर्स के साथ जो आपका ये स्प्रिंग है ये मैथ है वो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता है जितनी फोर्स के साथ आप उसे स्ट्रेच करते हैं, यानी कि स्ट्रेस जो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वो उसमें कंप्रेशन की इक्वल आती है। क्योंकि एक्सटेंशन अब अप्लाइड फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है और कंप्रेशन आता है उसमें स्प्रिंग में वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब अगर ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हैं पर बराबर हैं तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं ये वाली ये भी इक्वल होंगी मैथ्स के रूल के मुताबिक। अगर इस चीज़ की लेफ्ट किसी भी दो इक्वेशन की इक्वेशन वन कह दो और इक्वेशन टू, अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू की जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो इट्स मीन इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि हमारी अप्लाइड फोर्स और हमारी रिस्टोरिंग फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। तो अब मुझे यहाँ ये लिखना चाहिए कि हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो तो के और एक्स के इक्वल है, चूँकि हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्सटेंशन है जो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स एम ए के इक्वल है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर थर्ड, अगर इस एक्सप्रेशन से मैं सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू निकालना चाहूँ तो उसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वह नेगेटिव साइन जाना चाहिए था।
इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि मैं अगर के नीचे एम को डिवाइड कर दूँ तो एक्सटेंशन इसको यहाँ पर लिख लूँ और नेगेटिव साइन कर दूँ इस तरह से। अब सोचने वाली बात यह है, और पूछने वाली, बल्कि पूछने वाली बात यह है कि मैंने जो है के नीचे ही एम को डिवाइड करके ब्रैकेट में क्यों लिखा। एम पूरी ब्रैकेट से डिवाइड हो रहा है यानी कि मैथ, लेकिन के भी चूंकि कांस्टेंट है और मैथ मैथ भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो मैं जिस बॉडी को आपने यहाँ पर स्ट्रेच किया हुआ है उसे चाहे यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचे या यहाँ से खींचे, मैथ जो है उसका वो बराबर ही रहेगा। जो हमने फर्स्ट किया था कि अगर 5 kg है तो वो 5 kg ही रहेगा, मैथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो मैं मैथ को भी एक कांस्टेंट कह लेती हूँ और इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। और हमारा जो एक्सटेंशन है या डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेरी करना होता है, वो तो चेंज होता रहता है, इसलिए इसे हम लोग कॉन्स्टेंट नहीं कह सकते। लेकिन मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कि अगर मैं इस तरह करूँ कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो बराबर है माइनस से, इस चीज़ को अगर मैं कॉन्स्टेंट लेट कर लूँ तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए कॉन्स्टेंट टाइम एक्स। और मैं फिजिक्स के रूल के ही मुताबिक जब भी इज इक्वल टू के बाद कॉन्स्टेंट आए तो हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत से बदल सकते हैं। मैं इसे यूँ कह सकती हूँ कि जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है माइनस एक्स के। माइनस को मैंने उसके अंदर नहीं इंक्लूड किया कॉन्स्टेंट के साथ, माइनस अलहदा चीज़ है, माइनस को एक्स के साथ लिख लेते हैं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे डिस्प्लेसमेंट से, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, क्वाड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के, कितना डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, कितना एक्सटेंशन या कंप्रेशन स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन की टूवर्ड्स द सेंटर होगी या टूवर्ड्स द मेन पोजिशन होगी। एक्सटेंशन यहाँ भी हो सकती है और कंप्रेशन यहाँ होता है, लेकिन डायरेक्शन इसकी हमेशा टुवर्ड्स द मेन पॉइंट या मेन पोजीशन पर ही रहेगी, इस वजह से नेगेटिव साइन हम लोग लगाते हैं। तो इस चीज़ को क्या, अब जो एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का जो स्प्रिंग के साथ अटैच हो उसका एक्सेलरेशन, उसमें प्रोड्यूस होने वाले एक्सटेंशन या कंप्रेशन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर हो, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है स्प्रिंग की। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो है, तो यहाँ लिख देना चाहिए, ये जो चीज़ है इसे हम लोग कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन है, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। ये भी ऑसिलेटरी मोशन की ही एक टाइप है, एक किस्म, एक काइंड है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है जब आप किसी भी स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ मैस है उसमें प्रोड्यूस होने वाला डिस्प्लेसमेंट उस पर एक्ट करने वाले एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा जो है डायरेक्टेड हो टूवर्ड्स द मेन पोजिशन, तो इसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी इलास्टिक बॉडी के साथ अटैच किए हुए मैथ के लिए या किसी भी बॉडी के लिए हो सकता है जिस तरह की मोशन को प्रोजेस्ट करें। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ था, उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होती है और इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते क्यों हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के और हमेशा जो है वो डायरेक्टेड होगा टूवर्ड्स द मेन पोजिशन। ये दो कंडीशन जब भी सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो हम उस ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं।